الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يظلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا वस्यात कहतेम कलम तमाम क़स्म की तारीफ़ा अल्ला शरीक के लिए लाइक जेबा है जो सारे जहानों का तन्हा और अकेला खालिक व मालिक है व आलमीन अपनी दात में अरफा वो आला है क़यामत के दिन जिसके एक हाथ में सारी की सारी ज़मीन होगी अल्लाह आलमीन अपनी ज़ात में तन्हा और अकेला वो पाक है के दिन, जिसके दूसरे हाथ में सातों आसमान लपेटे हुए होंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन जिन्हें हिदायतों से नवाज दे उन्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता और अल्लाह रब्बुल रब्लम जिन्हें गुमराही की तारीखियों और अंधेरों में मुबतला कर दे उन्हें हिदायत की रोशन किरण कोई नहीं दिखा सकता بشمار درد و سلام نبي اخرين صادق الامين رحمت العالمين سيد المرسلين خاتم النبيين كثير المعجزة امام الانبياء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد पिछले गुजशत दर्स में मैंने आप तमाम के सामने क्यामत की उन निशानियों को रखने की कोशिश की थी जिसको अलामत शहरा कहा गया छोटी छोटी निशानियाँ और बुनियादी बात याद रखिए कि ये जो निशानियाँ मैंने पिछली नशस्त में आपके सामने जिक्र की थी उनमें से चंद दो निशानियाँ नबी करीम वसल्लम के हयात मुबारक में पूरी हो चुकी लेकिन उसके बाद जितनी निशानियों का मैंने आपके सामने तस्करा किया उनमें से अक्सर निशानियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस फना होने वाली दुनिया से बाकी रहने वाली दुनिया की तरफ कूच करने के बाद आज के दौरे हाजिर तक अगर हम देखते हैं तो अक्सर निशानियां पूरी हो चुकी हैं मकसद क्या है इन निशानियों को बयान करने का अहले ईमान हम अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने वाले बने हम अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बने रब की बंदगी में जिंदगी गुजारने वाले बने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को इंसानियत को तौर पर खोल खोल कर बतला दिया लोगों ये काम करोगे ये आमाल बजा लाओगे रब राजी होगा और जन्नत का रास्ता ये रास्ता है जो तुम्हें जन्नत तक पहुंचाएगा और फिर रब की नाफरमानी करोगे नबी करीन सल्लाह ने एक एक जो जहन्नुम की तरफ ले जाता है उसको भी वाजे खोल कर बतला दिया तो मनशाफ अली मनशाफ अली अब जो चाहे ईमान की जिंदगी गुजारे और जो चाहे कुफर की जिंदगी गुजारे रब ने एक मोहलत दी है और जब यह मोहलत पूरी हो जाएगी कसम है रब मोहम्मद की अल्लाह तबारको ताला हिसाब लेगा वो कैसा दिन होगा का निकुदार होमसीना अल्फसना पचास हजार बरस का दिन होगा आज इंसानों की अक्सरियत अल्लाह तबारक वाला की नाफरमानी में जिंदगी गुजार रही आज जो मेरा मौजू है क्यामत की बड़ी निशानियां यूं तो चंद घंटों में इस मौजू को समेटना नामुमकिन बात है मेरे दोस्तों अलामत शोरा पूरी हो चुकी है अक्सर इनमें से पूरी हो चुकी है अब कुरा का आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं बुनियादी बात याद रखिए, इन अलामतों में से चंद अलामतें ऐसी है जब उनका जहूर हो जाएगा जब वो ज़ाहिर हो जाएंगी अल्लाह के नबी सलम ने बतलाया, लोगों इनके बाद तुम्हारा ईमान लाना कुछ काम नहीं देगा उन लोगों का ईमान लाना जो अब तक ईमान नहीं लाए थे और फिर उन लोगों का अमाल खैर कर ना जो गफलत की जिंदगी में पड़े हुए थे इन निशानियों के पूरे होने के बाद ना ईमान ना लाकर लाने वालों का ईमान काम आएगा और जो गफलत में जिंदगी गुजार रहे थे उनके आमाल खैर कुछ उन्हें हिस्सा देंगे समझ जाइए अल्लाह के लिए सुधर जाइए हर कोई अपना मुहासेवा करे आज धरती पर अल्लाह तबारक वाला की इतनी नाफरमानी हो रही है ये धरती गुनाहों से भर चुकी है और किस चीज़ का इंतज़ार है सोहरा तो पूरी हो चुकी है अब अलामत कुबरा का इंतजार है मेरे दोस्तों याद रखिए जब ये अलामतें पूरी होंगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक अलामत होगी इन बड़ी आलामतों में से तो इस तरह से दूसरी अलामत जाहिर होगी जिस तरह से धागे में से मोती टूट कर निकलते हैं एक के बाद एक एक के बाद दीगरे मोती निकलते जाते हैं इसी तरह से बड़ी अफसोस करने का भी मौका ना रहेगा मेरे दोस्तों याद रखिए इन अलामतों में से कुछ अलामतें ऐसी हैं, जिनके बाद आमाल, जिन लोगों ने आमाल ना किए थे फिर वो अगर आमाल की तरफ लपकेंगे तो उनके आमाल उन्हें कोई जजा नहीं देंगे आइए मैं आपके सामने अलामत कुबरा का जिक्र करने जा रहा हूँ सगीर की रिवायत ने सही करार दिया रवायत रही अबी रिवायत करते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया इतना फसाद होगा इतने फितने होंगे हरज ज्यादा होगा साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के हबीब हरज किसे कहते हैं कहा कतल होगा कतल होगा कतल होगा इतना होगा लोग आपस में इतना कतल करेंगे रसूलुल्लाह फरमाते हैं आखिर वो कतल किस वजह से कर रहा है न कतल करने वाले को पता होगा कि वो कतल किस बिना पर कर रहा है ना मरने वाले को पता होगा कि वो उसे क्यों मारा जा रहा है आज ये भी निशानी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है जाने अनजाने में लोगों को मार दिया जाता है ना मारने वाले के पास कुछ वजह है ना मरने वाले के पास कुछ सबब है मेरे दोस्तों ज्यादा दूर की नहीं शहर के हालात देख लीजिए पता चल जाएगा और फिर ये जो हमले होते हैं ये जो ब्लास्ट करवाए जाते हैं ये जो दहशतगर्दी दिखलाई जाती है यह भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के जिमन में आती है न मारने वाले को पता है कि वो क्यों मार रहा है न मरने वाले को पता है कि वो क्यों मर रहा है ये अलामतें जब पूरी होंगी दुनिया में फितना और फसाद भर जाएगा लोगों का कत्लेआम होगा ऐसे में अलामत कुबरा में से एक आलामत ज़ाहिर होगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने कहा कि मेरी उम्मत में से एक खलीफा होगा जिसका नाम महदी होगा आखिर जमाने में इमाम महदी इस उम्मत के खलीफा बनेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं महदी का जहूर उस वक्त होगा जब दुनिया फितना और फसाद से भर जाएगी तिर्मिदी की हदीस है और माजा में भी इस हदीस को नकल किया गया ने इस हदीस को सही दिया। ला लोगों, उस वक्त तक कायम नहीं हो सकती जब तक अरब पर एक शख्स हाकिम न बन जाए जो मेरे अहले बैत में से होगा युवा तीस उसका नाम मेरे नाम पर होगा क्या नाम होगा मेहदी का इमाम मेहदी आएंगे तो उनका नाम अल्लाह के नबी वसल्लम के नाम पर मोहम्मद होगा और एक अबू दाऊद की हदीस में बतलाया गया वह इसमो अबी ही इसमो उसके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम पर होगा क्या नाम होगा मुहम्मद बिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं वरना पिछली निशिस्त में कई ऐसे सवाल थे जिसके मुझे सुनकर होने लगे। अभी आएगा दज्जाल का तस्करा भी दज्जाल का जब जिक्र हुआ था तो कई लोगों ने सवाल पूछने पर उसकी कुछ अलग शबीहा बयान कर दी जो गूगल और यूट्यूब पर दिखलाई जाती है मेरे दोस्तों इमाम महदी का नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नाम होगा ये वो महदी नहीं है जिसका इंतज़ार रवाफिस कर रहे हैं जिनको हम अहले तशी कहते हैं वो जिनका इंतज़ार कर रहे हैं इससे मुराद ये वो महदी नहीं है उनका मानना है महदी के पास मुकम्मल कुरान है उनका मानना है जुल्फ़िकार हैदरी है उनका मानना है उनका महदी एक ऐसी गार में छुप गया है और उस मेहदी के पास वो उसगार के पास वो लोग उस मेहदी का इंतजार करते हैं इससे मुराद ये वो मेहदी नहीं है मेरे दोस्तों इमाम महदी आएंगे जब दुनिया में फितना और फसाद बपा होगा जब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे इमाम महदी का जहूर होगा में, लोग वहां जमा होंगे सही मुस्लिम फितन की हदीस है, कई लोग वहां पर जब जमा होंगे एक लश्कर को पता चलेगा एक लश्कर निकलेगा इस वजह से कि इन लोगों को खत्म कर दिया जाए और जो लोग जमा होंगे ना उनके पास असल होगा ना उनके पास किसी का मुकाबला करने के लिए कुछ होगा बल्कि वो तनहा अल्लाह पर तवक्कल करते हुए जम जाएंगे अहले अहले ईमान ईमान जब अल्लाह अल्लाह पर तवक्कल किया जाता है 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 तब की की मदद आती है। लोग जमा जमा होंगे होंगे इमाम महदी के साथ जमा होंगे। सही हदीस रसूलुल्लाह बयान करते हैं है। फरमायाश्कर निकलेगा वो लश्कर पर चढ़ाई करने के लिए निकलेगा जैसे ही लश्कर काबतुल्लाह के रास्ते के लिए निकलेगा रबेजुल जलाल उस लश्कर के दरमियानी हिस्से को जमीन को धसा कर दरमियानी हिस्से को अंदर धसा देगा आज भी हम अल्लाह पर तवक्कल करने वाले बन जाएं आज जो मुसलमानों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ रहा है आज जो मुसलमान जलील कार नजर आ रहे हैं इसकी वजह यह है कि हमने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे कि अल्लाह का कदर करने का हक था मा कदर हक्र ही लोगो अल्लाह पर तबक्ल करने वाले बन जाइए अल्लाह को अजबाब की जरूरत नहीं है उसने जमीन और आसमान किसी मेटेल के बगैर बना दिए है इंसानों की तदाद बना दी है मेरे दोस्तों हमारा रब वो है कुन का मालिक है कहता है किसी चीज को हो जा तो वो हो जाती है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है अल्लाह के लिए अल्लाह की कदर करने वाले बनिए अल्लाह पर कामिल तवक्कुल करने वाले बनिए काबतुल्लाह की तरफ जब यह लश्कर निकलेगा चढ़ाई के लिए रबज़ुलजलाल उस लश्कर के दरमियानी हिस्से को ज़मीन में धंसा देगा फिर क्या होगा पिछला हिस्सा दौड़ता हुआ आएगा देखने के लिए अल्लाह उन्हें भी धंसा देगा अगला हिस्सा आएगा अगले हिस्से के लोग आएंगे रबज़ुलजलाल उन्हें भी उस ज़मीन में धंसा देगा एक शख्स वहां से निकलकर भागेगा लोगों को बताने के लिए एक शख्स भगोड़ा बनकर वहां से निकलेगा मेरे दोस्तों और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया इब्ने माजा फिदन की सही हदीस अली हदीस के रावी है करीम वसल्लम ने फरमाया महदी मेरे अहले बैत में से होगा जलाल एक रात में आपके तमाम हालात का बंदोबस्त कर देगा हु अकबर एक ही रात में सब कुछ बदल जाएगा हत्ता के आपकी बैत करने लग जाएंगे मुसलमान आपको खलीफा मान लेंगे एक ही रात में आपकी खिलाफत तय हो जाएगी सही मुस्लिम की हदीस है किताबुल फितन में इमाम मुस्लिम रमतल ने नकल किया जाबिर बिन अब्दुल्ल इस हदीस के रावी है जब मुसलमान आपके हाथ पर बैत करेंगे आप मुसलमानों को बिला हिसाब व किताब माल की तकसीम फरमाएंगे इधर मुसलमान चंद मुसलमान इमाम महदी के पास जमा होंगे इधर आवाज आएगा कि दज्जाल जाहिर हो चुका है दज्जाल जाहिर हो जाएगा मेरे दोस्तों एक के बाद एक दूसरी निशानी जाहिर होगी सही मुस्लिम की हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वसल्लम ने फरमाया आदम से लेके दुनिया के खत्म होने तक दज्जाल से बड़ा फितना कायनात में कोई और नहीं है ये भी फितना दूसरी निशानी जो बड़ी निशानियों में से है ज़ाहिर होगी जब दज्जाल ज़ाहिर होगा मुसलमान एक खलीफा के तहत जमा होना शुरू हो जाएंगे इधर दज्जाल का खुरूज होगा तमीमदारी की तफसीली रिवायात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमीमद दारी रज़ील्न बयान करते हैं कि मैंने फला जजीरे में दज्जाल को देखा है और दज्जाल ने क्या कहा था सल्लल्लाहु वसल्लम को सुनाते हैं दज्जाल हूँ बहुत जल्द मुझे खुरूज का हुक्म दिया जाएगा वसल्लम फरमाते हैं चालीस दिन तक दज्जाल जमीन पर रहेगा उसका पहला दिन एक साल के बराबर होगा अल्लाह अकबर तबाही मचाते फिरेगा पहला दिन एक साल के बराबर रसूलुल्लाह फरमाते हैं दूसरा दिन महीने के बराबर तीसरा दिन हफ्ते के बराबर और उसके बकिया दिन आम दिनों के बराबर होंगे साहबा ने पूछा अल्लाह के हबीब जब यह आलम होगा जब दज्जाल निकलेगा दिन तवील हो जाएगा रात नहीं आएगी अल्लाह के नबी हमें बताइए हमारी नमाजों का क्या बनेगा अल्लाह अकबर आज देखिए मुसलमान नमाजों से इतना गाफिल हो चुका है महीनों गुजर रहे हैं फजर की नमाज बाजत पढ़ने की तोफीक नसीब नहीं होती अल्लाह अकबर महीनों गुजर रहे हैं आज पढ़ लूंगा कल पढ़ लूंगा संडे से शुरू कर लूंगा मंडे से शुरू कर लूंगा महीनों गुजर रहे हैं फजर नमाज बाजमात पढ़ने की तोफीक नसीब नहीं जुमा में देखिए कितनी तादाद नजर आती है आम फजर की नमाजों में ऐसा महसूस होता है कि बस्ती में एक इमाम और एक मोजन के सिवा मुसलमान मौजूद ही नहीं है हालात ये हो चुकी है मुसलमान नमाजों से गाफिल है रसोल्ला से अर्ज किया कि लोगों तुम नमाजों को वक्त का हिसाब लगाकर कर बावक्त नमाज पढ़ते चले जाना अंदाजे के मुताबिक नमाज अदा करने की अल्लाह के नबी सल्हलम ने ताकीद की मेरे दोस्तों जब दज्जाल निकलेगा चालीस दिन इस जमीन पर खरूज करेगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया लोगो हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से डराया है और मैं तुम्हें वो बात बताता हूं जो किसी नबी ने नहीं बतलाई दज्जाल काना होगा अल्लाह अकबर अल्लाह के नबी अलैहि वसल्लम ने वाज तौर पर दज्जाल की मुशाबियत शबाहत हमारे सामने बयान कर दी मेरे दोस्तों इबन माजा की हदीस है अबू बकर सिद्दीक सिद्दीन रिवायत करते हैं अन्न मिन अर्द युकालू लहा खुरासान। के नबी वसल्लम ने फरमाया दज्जाल मशरिक की तरफ खुरासान से निकलेगा

सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं दज्जाल आंख से काना होगा और उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर लिखा हुआ होगा कहा फिर हिज्जे कर कर बताया का फारा यकरहु कुल्ल मुस्लिम और इसमें हर मुसलमान उसको पढ़ सकेगा चाहे इल्म से वाकिफ हो या ला इल्म हो जाहिल हो अनपढ़ हो हर मुसलमान इस काफिर को पढ़ सकेगा यह अल्लाह तबार को ताला का खास फजल होगा कि मुसलमान अपने आप को दज्जाल के फितने से महफूज कर लें इसीलिए अल्लाह तबारक वाल हर मुसलमान को वाजह कर देगा जो उसके दोनों आँखों के दरमियान लिखा होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी एक आंख पिचके हुए अंगूर के मानंद होगी देखा है ना कभी अंगूर जब दब जाता है तो उसकी हालत किस तरह से हो जाती है छोटे बच्चों को अंगूर दिखाइए पिचका हुआ डर जाते हैं उठाते नहीं हैं उतनी बुरी उसकी आँख होगी उतनी बुरी उसकी हालत होगी एक आंख अंगूर की पिचके हुए अंगूर के मानिन होगी हाकिम की हदी से अल हाकिम की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दज्जाल सबसे पहले नबुवत का दावा करेगा और जब नबुवत का दावा करेगा उसके फौरी बाद वो लोगों से कहेगा अना रब लोगों मैं तुम्हारा रब हूं अल्लाह के नबी वसल्लम ने फरमाया लोगो तुम्हारा रब काना नहीं है जबकि जब तुम अगर तुम्हारा दज्जाल से सामना हो जाए पहले तो अल्लाह के नबी ने फरमाया उसका सामना नहीं करना बातें आगे आ रही है लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर दज्जाल का सामना हो जाए रसूलुल्लाह फरमाते हैं तुम उसके चेहरे पर थूक देना और सूरह कहफ की इब्तदाई आयात की तिलावत करना सही मुस्लिम हदीस हुजैफा बिन वल-रिवायत करते हैं अल्लाह के नबी के के पास जाहिरी जन्नत और जहनुम होगी जो उसकी आग में दाखिल होगा रब के यहाँ वो शहीद कहलाएगा और उसका मर्तबा बुलंद होगा और जो उसकी ज़ाहरी जन्नत में दाखिल होगा उसका अजर तबाह बर्बाद हो जाएगा उसके अमाल बर्बाद हो जाएंगे जो उसकी जाहिरी जन्नत में दिलदादा होकर उसमें दाखिल हो जाएगा मेरे दोस्तों सही मुस्लिम की हदीस नवाज बिन रजी रिवायत करते हैं फरमाया को देगा। जरा गौर करो मेरे दोस्तों जरा तस्वुर करने की बात है ये कैसा फितना होगा अल्लाह तबारको ताला के हुक्म से यह फितना होगा आसमान को हुक्म देगा आसमान बारिश बर जमीन को हुक्म देगा जमीन नबाता उगाएगी इतना बड़ा फितना होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुम में से कोई अबू दाऊद की हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब दज्जाल जाहिर हो जाए तो दज्जाल से दूर रहना उसके करीब भी ना जाना तुम में से कोई उसके करीब भी ना जाना खसम है जुल जलाल की अगर कोई उसके करीब जाएगा उसकी शबाहत को देख कर उसकी इतवा कर बैठेगा अल्लाह अल्लाह के नबी ने वह तौर पर बताया कि लोगो दज्जाल से दूर रहना सही बुखारी की हदीस है अबू अब रिवायत करते हैं कि एक बेहतर और नेक जाएगा। मुत्तकी उसके करीब होगा। कहेगा, अना मैं तेरा रब हूँ वो मुत्ती नेक परहेजगार आदमी कहेगा नहीं नहीं तू मेरा रब नहीं है दज्जाल क्या करेगा उसको काट कर दो टुकड़े कर देगा और फिर लोगों को कहेगा मैंने इसे मार दिया है फिर उसको जिंदा करेगा कहेगा क्या तू अब मानने के लिए तैयार है कि मैं तेरा रब हूं वो मुस्कुराता हुआ कहेगा अब तो मुझे और भी यकीन हो गया है कि तू दज्जाल है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दोबारा वो जोर लगाता है लेकिन इस बार मोमिन पर उसका जोर नहीं चलेगा अल्लाह तबरक व तआला उस ईमान वाले को महफूज कर लेगा मेरे दोस्तों एक बार कत्ल कर देगा दूसरी बार कत्ल करने की कोशिश करेगा लेकिन कतल नहीं कर पाएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही बुखारी की हदीस रजी एहनस रजील रिवायत करते हैं दज्जाल सारी धरती पर निकलेगा लेकिन मक्का और मदीना में दाखिल नहीं होगा मक्का और मदीना के अलावा हर शहर को तबाह कर देगा मदीने की तरफ जाने लगेगा तो रास्ते में पहरा देते हुए मदीने का फरिश्ते नजर आएंगे और वो मदीने में किस दाखिल ना होगा सही मुस्लिम की हदीस है चालीस दिन तक वो जमीन पर फिरेगा एक दिन साल के बराबर और फिर एक दिन महीने के बराबर और एक दिन हफ्ते के बराबर और बकिया दिन आम दिनों के बराबर होंगे सही मुस्लिम की हदीस है उम्म शरीक रजिया रिवायत करती है के के रसूल ने फरमाया, दज्जाल के खौफ से लोग पहाड़ों की तरफ निकल जाएंगे इतना भयानक फितना होगा इतना बड़ा फितना होगा कि लोग पहाड़ों की चोटियों की तरफ भाग निकलेंगे मेरे दोस्तों फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते हैं लोगों पे जब कप कपी तारी होगी इसी में एक और निशानी जाहिर होगी सलाम नाजिल हो जाएंगे अल्लाह अकबर सलाम आज कुछ लोगों का अकीदा है कि ईसा आलाम का इंतकाल हो चुका है रबल सुर निसा में फरमाता है वमा कतलू हुबी हलम ना उन्हें कत्ल किया गया ना वो क़त्ल किए गए न सूली पर लगाए गए बल्कि उनकी शबीहा किसी और को डाल दी गई लोगों को शबीहा बता दी गई लोग शक में पड़ गए मेरे दोस्तों लोगों को अल्लाह तबारक वाली ने कहीं और रुख देकर मोड़ दिया और आगे बताया गया बल बलरफा तबारक वाली ने उन्हें ऊपर उठा लिया है सही मुस्लिम की हदीस है नवाज़ बिन समान रजी अल्लान रिवायत करते हैं रसोल्हलम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक वाल जब ईसा को नाजिल करेगा ईसा फरिश्तों के परों पर अपनी हथेलियों को रख कर नाजिल होंगे सुबहान अल्लाह वो कैसा मंज़र होगा अल्लाह अहले ईमान के लिए वो खुशखबरी होगी कि दज्जाल जैसे फितने के वक्त ईसीम नाजिल होंगे और अदीस में बतलाया गया दमिश के सफ़ेद मीनारों पर फरिश्तों के परों पर अपने हथेली रख कर नाजिल होंगे और आप अपना सर झुकाए हुए होंगे अहादीस में बयान किया गया आपकी जुल्फे लाम्बी होगी ऐसा महसूस हो रहा होगा आपकी जुल्फ़ों से पानी इस तरह टपक रहा होगा जिस तरह से मोतियाँ टपक है ईसा सलाम नाजिल होंगे मेरे दोस्तों ऐसे आलम में सर झुकाए हुए मोती की तरह कतरे आपके बदन से ढलक रहे होंगे आपके सर से जिस तरह से अभी अभी पानी नहा कर निकले हो सही बुखारी किताबुल वसल्लम ने फरमायाजल इमाम खुम कुम तुम्हारी उस वक्त क्या हालत होगी तुम उस वक्त किस तरह से अपने आप को महसूस करोगे जब तुम में ईसा मरियम नाजिल होंगे और रब का फजल देखिए रब का करम देखिए अल्लाह ने इस उम्मत को कैसी फजीलत से नवाजा है रसूलुल्लाह फरमाते हैं तुम्हारा इमाम तुम्हारा अमीर ही में से होगा ईसा सलाम के आने के बावजूद इस उम्मत की यह फजीलत बयान की गई ईसा सलाम के रहने के बावजूद इस उम्मत का कोई खलीफा होगा इस उम्मत का इमाम होगा तो तुम ही में से होगा इशारा अलैहि सलाम की तरफ है मेरे दोस्त सही मुस्लिम की हदीस है किताबुल ईमान में जाबिर बिन अब्दुल्ला से मरवी वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की एक जमात मेरी उम्मत का एक गिरोह हक़ पर किताल करता रहेगा हक हाँ पर इताल करता रहेगा यहाँ तक के कयामत ज़ाहिर हो जाएगी हक़ हाँ पर गालिब रह कर वो लड़ता रहेगा यहाँ तक के ईसा आसमाम उनमें नाजिल हो जाएंगे जब ईसीलाम नाजिल होंगे ये कौन सा वक्त होगा दोस्तों ये फजर का वक्त होगा जो अहले ईमान फ़जर की नमाज के लिए उठ चुके होंगे अल्लाह उन्हें दिखा देगा ईसा आसलाम नाजिल हो रहे होंगे और जो गफलत की नींद में आज भी सोते हैं हैं, कल भी सोएंगे तब भी गफलत में रहेंगे ईसा हो चुके होंगे इमाम महदी कहेंगे आइए नमाज पढ़ाइए ईसा सलाम कहेंगे नहीं नहीं तुम्हारा इमाम तुम ही में से होगा ईसा सलाम अमीर को आगे कर देंगे अमीर कहेंगे कि आप नमाज पढ़ाइए ईसा सलाम इनकार कर देंगे कहेंगे अमीर तुम ही में से होगा ईसा सलाम फजर के वक्त नाजिल होंगे नमाज से फारिग होंगे जैसे ही नमाज अदा करेंगे दज्जाल की तलाश में निकल खड़े होंगे दज्जाल की तलाश में जब निकलेंगे काफी तवील रिवायतें यहाँ बयान की जा सकती हैं लेकिन वक्त मुनासिब नहीं है मेरे दोस्तों के आपके सामने सारी रिवायतों को रख सकू बात को मुख्तसर रहा हूं मेरा पिछला किताब यहां मौजूद है दज्जाल पर लेकिन बात को मुख्तसर करने जा रहा हूँ आप मजीद अगर जानकारी को बचाना चाहते हैं अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए ईमान पर इस्तेमत के साथ जम जाइए उन मसनून दुआओं का एहतमाम कीजिए जिनको अल्लाह के नबी व सिखलाया है मरियम दज्जाल की तलाश में निकलेंगे फिर में पर उसे पाएंगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जैसे ही दज्जाल ईसा मरियम को देखेगा जिस तरह पानी में नमक घुल जाता है उस तरह से वो घुलना शुरू हो जाएगा अल्लाह अकबर अगर अल्लाह के नबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर ईसा सलाम दज्जाल परवार ना भी करे तब भी वो घुल कर ख़त्म हो जाएगा लेकिन ईसा इब्ने मरियम अपने बरछे से दज्जाल का खात्मा कर देंगे और मुसलमानों को दिखलाएंगे अहले ईमान को दिखलाएंगे जो बरछे में आपके खून लगा हुआ होगा इस फितने का भी ख़ात्मा हो जाएगा मेरे दोस्तों ये वाकयात क्यों सुना रहा हूं ये अलामतें क्यों बयान की जा रही है वजह क्या है मकसद क्या है लोगो अपने आप की इलाह कर लो एक दिन आएगा इस धरती पर से मेरे और आपकी हस्ती मिट जाएगी इससे पहले अपने आमाल की इसलाह कर लो आज मुसलमानों की अक्सरियत रब को नाराज़ कर रही है यहूद नसारा की मुशाबियत इख्तियार की जा रही है दीन पर अमल करना इन पर गिरा गुजर रहा है आज का नौजवान मजूसियों की मुशाबियत इख्तियार करना चाहता है नबी का चेहरा नबी जैसा चेहरा रखना ही नहीं चाहता ख़वातीन में भी बहुत कम ऐसी रह गई हैं जिनको अल्लाह तबार को तााल ने तोफ़ी कता फरमाई जो अपनी की हिफाजत करती हैं जो बाहया और बा हैं वरना बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो बुरका भी पहनती है तो शरीयत के खिलाफ बुरका पहनती हैं अल्लाह अखिल सलीमता फरमाए ये देने वाले कौन है दोस्तों बुरका कोई भाई ही ला कर देगा कोई वालिद ही ला कर देगा कोई शौहरी अपनी बीवी को दिलाएगा ना क्यों नहीं रोकते क्यों मुआशरे की सलाह नहीं करते और मेरी उन बहनों से गुजारिश है उन बेटियों से गुजारिश है उन माँओं से गुजारिश है जिनको अल-जलाल ने तोफी कता फरमाई है ये ख़वात के बीच में रहकर उनके दरमियान में रहकर उनकी असलाह कर सकती है और जब तुम इसलाह करोगी मुआरह सुधरेगा और जब मुआरह सुधरेगा रब तुमसे राज़ी हो जाएगा अल्लाह ने जिन खातिन को तोफ़ी खता फरमा दी है वो बड़ी मुबारकबाद है मेरे दोस्तों अपनी बहनों को अपनी बेटियों को ऐसे इस्तेमात में शिरकत करवाइए अल्लाह के दीन को जानने वाले बनिए और सिर्फ इतना ना कहना कि मेरी बीवी दीनदार हो मेरी बेटी दीनदार हो बल्कि सबसे पहले ख़ुद मुझे और आपको अपनी ज़ात पर दीन को नाफिस करना पड़ेगा और जब अल्लाह और उसके रसूल की इतात होगी तो फिर बड़ी सी बड़ी मुश्किल भी आसान लगने लग जाएगी और ये दुनिया की जिंदगी आसानी से कट जाएगी मेरे दोस्तों आज ज़रूरत है मुझे और आपको बदलने की कयामत की निशानियाँ एक के बाद एक पूरी होंगी और फिर किसी को मौका भी नसीब न होगा मेरे दोस्तों ईसा सलाम दज्जाल को कत्ल कर कर मुसलमानों को दिखलाएंगे अपने बर्छे में खून फिर क्या होगा एक और अलामत अलामत कुबरा में से एक और अलामत आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये खुरूज होगा याजूज व का खुरूज होगा एक के बाद एक एक के बाद एक एक के बाद एक निशानियां जाहिर होती चली जाएंगी मौका नहीं मिलेगा इंसानों को संभलने का याजू जो और माजूज का खरूज होगा ये याजूज और माजूज कौन है सूर कहफ को आप पढ़ेंगे सूर कहफ में अल्लाह तबार को ताल ने तफसील से इनका ज़िक्र किया है लकर्नैन का ज़िक्र किया है अभी वक्त इतना मुनासिब नहीं है कि मैं आपको तफसील से बता सकूं लेकिन मुख्तसर बतलाऊँगा याजूज आजूज व माजूज कौन है इनसे पहले रनैन के बारे में जान लेते हैं अल्लाह के नबी सल वसम से मुशरक़ों ने सवाल किया था कर्नैन के बारे में यस अलोन का कर्न अल्लाह ताली ने सुर कहफ में ज़िक्र किया है लकर्नैन एक मुत्तकी हाकिम थे जो अपनी फ़ौज को और अपनी जमात को लेकर अल्लाह तबार को ताला ने उन्हें तौफीक दी मशरिक से लेकर मगरिब तक और मगरिब से लेकर मशरिक तक उन्होंने सियाहत की सफ़र किया और जहाँ कहीं जाते दीन इब्राहिम के परचम को बुलंद करते अल्लाह ताला ने उन्हें इख्तियार दिया था थाल्करन जो तोहीद वाले हैं वो जो तुम्हारी इतबा कर लेते हैं उन्हें तो छोड़ दिया जाए और फिर जो इतवा नहीं करते शिर पर डट जाते हैं तुम्हें इख्तियार है उनके साथ या तो अफोह दरगुजर का मामला करो या फिर उनकी तबाही के लिए इसबाब तैयार करो दिल दिलकरनैन लोगों को रब की तोहहीद की तरफ दावत देते दीन इब्राहिम की तरफ बुलाते और जो लोग तोहैद से रुक जाते उन्हें पकड़ कर कैद कर देते और कुछ को तो कत्ल भी कर दिया गया कई रिवायात मिलते हैं दिलकरनैन दीन इब्राहिम की दावत देते सारी धरती पर अल्लाह ने आपको सैर कराई थी आप मशरक से लेकर मग़रब तक और मगरब से मशरक की तरफ निकल खड़े हुए थे शुरब में आपका तफसली जिक्र आया एक कौम के पास से आपका गुजर हुआ वो कौम के लोग कहने लगे अ दिलकरनैन हुसैन यहाँ इन पहाड़ों के पीछे एक कौम मौजूद है याजू जो माजूज की ये वक्तन फौकतन हम में जाहिर होते हैं क्या करते हैं फितना करते हैं फसाद मचाते हैं कत्लो गारतगिरी करते हैं जो लोग बगैर किसी सबब के फितना व फसाद मचाते हैं अल्लाह के नज़दीक वो सबसे बदतरीन लोग हैं इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन अल्लाह ताला फसाद मचाने वालों को पसंद नहीं करता आज लोग जरा जरा सी बात पर फसाद मचा देते हैं छोटी छोटी बातों को वजह बनाकर आपस में कत्ल वारत गिरी करने लग जाते हैं क्या ले जाओगे इस दुनिया से कौन सा जमीन का हिस्सा ले जाओगे कौन सी जायदाद ले जाओगे आए दिन अखबार में पढ़ने को मिलता है खुद सगे भाई ने छोटी सी जायदाद के लिए अपने भाई का कत्ल कर दिया है खुद बाप ने बेटे को मार दिया है पोत्रों ने दादा को मार दिया है और बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया है हालात कितने बिगड़ चुके हैं और अल्लाह ने जिन्हें तोफ़ी अतः फरमाई हैं वो अपने लबों से कुछ कहना नहीं चाहते बल्कि खामोशी इख्तियार करते हैं मैं ये नहीं कहता कि हर कोई मिंबर पर खड़ा हो जाए हर कोई इसकी सकत नहीं रखता लेकिन मेरे दोस्तों कमस कम अज़ कम कम अज़ कम जिस मुआरे में हम बसते हैं जिन गलियों में हमारी सुबह व शाम होती है वहां तो हम इस करने वाले बने लोगों को रब के दीन की तरफ बुलाने वाले बने एक दिन आएगा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा मेरे दोस्तों ज़िलकरनैन से कहा गया पहाड़ों के पीछे से एक कौम निकलती है जो याजूज व माजूज की कौम है ये कत्ल वारतग गिरी अंजाम देते हैं हम आपसे मुतालबा करते हैं हम आपके सामने एक अर्जी रखते हैं आप भले ही कुछ मुआवजा ले लें इनके और हमारे बीच में कुछ ऐसे इसबाब इख्तियार कर दें कि ये हमसे न मिलने पाए जिलकरनैर ने कहा कि मुझे तुम्हारे माल की जरूरत नहीं है मुझे रब ने जितना दिया है उतना काफ़ी है लेकिन मुझे तुम्हारी ताकत की ज़रूरत होगी तुम मेरी मदद अपनी ताकत से करोगे दोनों पहाड़ों के बीच लोहा जमा किया गया लोहे के बड़े बड़े टुकड़े जमा किए गए लोहे को आग से तपाने का हुक्म दिया गया आग से तपाया गया लोहा सुर्ख हो गया जिलकरनैन ने हुक्म दिया कि जब आग से लोहा तप चुका था कहा तांबा लाओ पिघला हुआ तांबा लाकर उन पहाड़ों के बीच में लोहे और तांबे की दीवार बना दी गई उस दीवार और उन पहाड़ों के दरमियान में मेरे दोस्तों कैद कर दिया गया आजिलकर ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इब्ने माजा की हदीस है अबू हुरेरा रजी अल्लाह रिवायत करते हैं कि एक दिन आएगा याजूज माजूज का खुरूज होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि माजूज, रोजाना उस दीवार को खुरेचने की कोशिश करते हैं इतना खुरेज देते हैं इतना निकाल देते हैं कि जरा सा फासला रह जाता है थोड़ी सी कोशिश कर ले तो सूरज की शुआएं अंदर आ सकती हैं लेकिन फिर उनका सरदार कहता है कि आज हम वापस चलते हैं उनका सरदार कहता है अरे जियो वापस पलट चलो फिर कल आएंगे और अपने काम को अंजाम देंगे अल्लाह के रसूल वसल्लम फरमाते हैं जब वो वापस पलट जाएंगे अल्लाह तबारक तआला पहले से भी इंतहाई सख्त उस दीवार को कर देगा जितनी दीवार थी उससे भी इंतहाई सख्त अल्लाह ताला दीवार को कर देगा फिर ये आएंगे फिर इसी तरह से उस दीवार को खरोचेंगे जब तक के मुक्रा वक्त नहीं आ जाता वो वक्त नहीं आ जाता जो अल्लाह ने मुकर्र किया है जब वो वक्त आएगा उनमें से उनका अमीर उनका सरदार कहेगा चलो वापस पलट चलते हैं इन कल हम फिर आएंगे और इस दीवार को खरोचेंगे इनशाला कहने के सबब जिस हाल में वो दीवार को छोड़कर जाते हैं कल वापस आने पर दीवार उसी हाल में मौजूद होती है फिर जैसे ही वो लोग उस दीवार को खुरोचते हैं उनके और लोगों के दरमियान से वो दीवार हट जाती है उनका जहूर होगा सारा पानी पीकर खत्म कर देंगे जमीन पर फितना मचाएंगे फसाद मचाएंगे गारत गिरी करेंगे सलाम को जैसे ही पता चलेगा याजू या जो जाहिर हो चुके हैं उनके साथ अहले तोहद होंगे ईसा सलाम के साथ अहले ईमान को लेकर सैदना ईसा को तूर पर चले जाएंगे सही बुखारी अंबिया की हदीस है मेरे दोस्तों की तैदाद बताई गई सही बुखारी की हदीस में आखिर ये कैसी कौम होगी याजूज व माजूद की तादाद कितनी होगी जानते हैं मैं और आप याजूज व माजूद की तादाद कितनी है क़यामत का दिन होगा अल्लाह तबारक व तआला आदम सलाम को मुखातिब करेगा या आदम आदम सलाम कहेंगे लब्बैक व सादैक रब्बना ऐ हमारे रब मैं हाजिर हूँ मैं हाजिर हूँ वल खैर फी यदैका ऐ अल्लाह सारी की सारी सैर तेरे ही हाथ में है, अल्लाह तबारकुल्लाह को ताला हुक्म देगा, ओ खुरुज़ बासन्नार, आदम लोगों में से जहन्नुमियों को अलग करो, अल्लाहु अकबर। ये वो मौका होगा कि खुद आदम अली सलाम को जहन्नुमियों को अलग करने के लिए कहा जाएगा, आदम अली सलाम कहेंगे, वमा बासन्नार, अल्लाह जहनुमियों की तदाद कितनी है वो कौन होंगे रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ताला हकुम देगा हजार में से नौ सौ नाइन नाइनटी नाइन जहन्नुम में जाएंगे एक जन्नत में जाएगा क्या आलम होगा उस वक्त नौ जहन्नुम में जाएंगे सहाबा कराम पर कप कपी तारी हो गई आंखों में आंसू तारी हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया घबराओ नहीं नौ सौ नन्यानवे जो होंगे वो याजू जो माजूद की कौम में से होंगे और वो एक तुम में से होगा अंदाजा कीजिए याजू जो माजूद की कौम का उनकी तादाद कितनी होगी मेरे दोस्तों उनकी तदाद बहुत ज्यादा होगी सही मुस्लिम किताबुल फितन की हदीस है ईसा अहिल ईमान को लेकर दुआ करेंगे अल्लाह तबारक अजाब नाजिल करेगा याजूज जो माजूज पर वो अजाब कैसा होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा कर दिए जाएंगे गर्दनों में जब कीड़े पैदा होंगे याजूज जो माजूझ सुबह तक हलाक हो जाएंगे सारी कौम हला हो जाएगी जब ईसा लेकर पहाड़ से नीचे उतरेंगे रसूलुल्लाह हैं जमीन पर एक बालिश जगह भी ना होगी जहां याजूज और माजूज की लाशें ना पड़ी होगी इतनी तदाद होगी जमीन पर जगह एक बालिश भी नसीब ना होगी ये भी तो अजाब ही होगा ना मेरे दोस्तों फिर रब से दुआ की जाएगी फिर रब से दुआ की जाएगी क्या होगा अल्लाह तबार को ताला ऊंटों के गर्दनों के मानिन परिंदों को भेजेगा ऐसे परिंदे आएंगे, जिनकी गर्दनें ऊंटों के बराबर होगी और वो याजू जो माजूद की कौम को उठाकर ले जाएंगे और जहां रब चाहेगा वहां उन्हें फेंक दिया जाएगा मेरे दोस्तों फिर अल्लाह तबार व तआला बारिश नाजिल करेगा जब बारिश नाजिल होगी तो सारी धरती पाक और साफ हो जाएगी जमीन सब्जा उगाने लग जाएगी अल्लाह ऐसी बरकतों को नाजिल करेगा ऐसी बरकतों को नाजिल करेगा अहले ईमान रहेंगे ईसा रहेंगे नसारा सारे के सारे ईमान ला चुके होंगे तब बरकतें नाजिल होगी जब रब की तोहद आ जाएगी जब एक अल्लाह की इबादत होगी अल्लाह ऐसी बरकतें नाजिल करेगा एक अन... अनार में सारी जमात सैराब हो जाएगी अल्लाह अकबर जमीन पर इतनी बरकतें नाजिल होगी मेरे दोस्तों कि एक अनार में पूरी जमात सैराब हो जाएगी उनकी भूख मिट जाएगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक बकरी के एक थन से जो दूध वक्त एक वक्त में निकलता है उस दूध से सारा खानदान सैराब हो जाएगा ऐसी बरकतों का नजूल हो जाएगा अहल ईमान बाकी रहेंगे फिर क्या होगा मेरे दोस्तों दज्जाल का जब खातिमा हो जाएगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं फिर एक ऐसा मौका आएगा अल्लाह एक हवा चलाएगा जिसमें अहले ईमान फौत हो जाएंगे फिर क्या होगा रसूलुल्लाह वसल्लम फरमाते हैं बादिरु बाद लोगो छह चीजों से पहले आमाल साल बजा लाओ क्योंकि जब ये छह चीजें का जहूर हो जाएगा तो जो ईमान नहीं लाया उसका ईमान लाना कोई नफा नहीं देगा और जो आमाल नहीं करता था क्या

व दुखान और फिर धुएँ से पहले वाब वा अर्ज और जानवर से पहले जो ज़मीन पर निकाला जाएगा बतलुशमसम मगरिबी हा और सूरज के मगरिब से निकलने से पहले और कहा इजतमाही अजाब और इनफरादी अजाब से पहले सही मुस्लिम की हदीस से अल्लाह के नबी ने फरमाया तीन चीज़ों के जहोर से पहले आमाल साब जलाओ इनसे पहले किसी का ईमान लाना फ़ायदा नहीं देगा और फिर किसी के आमाल करना जो पहले नहीं किया करते थे उनके आमाल उन्हें कुछ नफा नहीं देंगे एक बड़ी निशानी बतलाई गई धुआं निकलेगा दुखान कहा गया सारे आसमान पर धुआं छा जाएगा मेरे दोस्तों दूसरी निशानी बताई गई तुलु रशम सुबिन मगरबी हा के सूरज क्या होगा मगरब से तुलु होगा अल्लाह अकबर अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों जानते हो सूरज रोजाना कहाँ जाता है सही बुखारी की हदीसी अबू ज़रूरत अल्लाह रवायत करते हैं अतदरी आन तजब रसूल्ला ने फरमाया तुम जानते हो सूरज कहाँ जाता है साहबा ने अर्ज किया अल्लाह रसूल आलम अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं अल्लाह के नबी सल वसम ने फरमाया फ़ैन तजह हत अर्श के सूरज जाता है यहाँ तक के अर्श के नीचे जाता है और अल्लाह के सामने सजदा रेज हो जाता है अल्लाह से हुक्म तलब करता है अल्लाह हुक्म दीजिए अल्लाह हुक्म देते हैं तो फिर से वो निकल खड़ा होता है मशरक की तरफ एक दिन आएगा वो अल्लाह के सामने सजदा करेगा रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह तबारक वाला उसके सजदे को कबूल नहीं फरमाएगा और वो कहेगा आगे बढ़ने के लिए अल्लाह तबार को ताला उसे पलट जाने के लिए कहेंगे ये दिन अचानक होगा मेरे दोस्तों और सूरज मगरिब से तुलु होगा सूरज जब मगरिब से तुलु होगा तब किसी की तोबा कबूल नहीं होगी तब लोग तोबा करना चाहेंगे लोग अपने आमाल से बचना चाहेंगे ऐसे में उनकी तोबा कबूल नहीं होगी एक और आलामत बताई गई दा बतमिन कल्ली मुहम एक जानवर निकलेगा जो तुमसे कलाम करेगा लोगों से कलाम करेगा जानवर निकल कर मेरे दोस्तों और जब ये जानवर ज़ाहिर होगा ईमान वाले की भी वजाहत कर देगा और मुनाफिकीन को भी वाजह कर देगा ये जानवर पुकार कर कहेगा अहले ईमान को अलग कर देगा और मुनाफिकीन को अलग कर देगा और जब ये जानवर निकलेगा तब किसी का ईमान लाना फ़ायदा नहीं देगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक और अलामत जो अलामत कुबरा में से है खसफ होगा मैं अपनी बात को ख़त्म करने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों खसफ होगा क्या होगा सही मुस्लिम की हदीस किताबुल फितन में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने नकल किया ज़मीन धसना शुरू हो जाएगी सबसे पहले मशरिक की तरफ से ज़मीन धस जाएगी लोगों को क्या आलम होगा जब ज़मीन धसना शुरू हो जाएगी फिर मगरिब की तरफ से ज़मीन धसना शुरू हो जाएगी अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर अरब से ज़मीन धसना शुरू हो जाएगी ख़सब शुरू हो जाएगा लोग धसना शुरू हो जाएंगे बदतरीन मखलूक बाकी रह जाएगी इबन खुजैमा की हदीस है अम्मालबानी रहमतुल्लाह अलैह करार देते हैं इंसानों में बदतरीन मखलूक रह जाएगी रसूलुल्लाह फरमाते हैं वो बदतरीन मखलूक पर क्यामत कायम होगी वो बदतरीन मखलूक की निशानी यह होगी कि वो खबरों को इबादत बना लेंगे इन पर बाकी होगी मेरे कितने लोग हैं जो खबरों को इबादत की जगह बनाए हुए हैं तवाफ कहाबत का करना चाहिए था लेकिन खबरों का तवाफ हो रहा है कुर्बानी रबेजुल जलाल के लिए थी लेकिन कुर्बानी कब्रों पर हो रही है और नारियल और नींबू का इस्तेमाल किया जाता है वो कैसे हालात हैं मेरे दोस्तों कभी अल्लाह ने मौका दिया तो कबर परस्ती पर भी खिताब करेंगे बदतरीन मखलूक होगी जो खबरों को इबादत गाह बना लेगी जलाल इन पर पर्यामत को तारी करेंगे मेरे दोस्तों बदतरीन मखलूक से ताबीर दी गई खबरों पर इबादत करने वालों के लिए आखिरी निशानी बताई गई जो बड़ी अलामतों में से है यमन से आग का जहूर होगा आग निकलेगी लोगों को हाकेगी लोगों को ले जाकर मुल्क शाम की तरफ अर्द महशर की तरफ जमा कर देगी ये येमतें हैं मेरे दोस्तों आज जो मैं और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं जब येमतें पूरी हो जाएंगी कसम है रब मोहम्मद की आप भी फना हो जाएंगे हम भी फना हो जाएंगे क्या होगा इधर समाउन फतरत आसमान फट जाएगा वही दल कवा की तसरत वो तारे झड़ने लग जाएंगे अल्लाह अकबर बताया गया बताया गया वो बिहार बिहारत अल्लाह ताला जैसे ही आसमान फटेगा जैसे ही तारे झड़ने लग जाएंगे समंदर को उबाल दिया जाएगा समंदर भड़क उठेंगे नहीं नहीं इबन अब्बास रजी अल्लाह से मरवी है कि समंदरों में आग लगा दी जाएगी जमीन तबाह हो जाएगी आसमान टूट जाएगा तारे झड़ पड़ेंगे समंदर उबल जाएंगे धरती फना हो जाएगी मेरे दोस्तों क्यामत का दिन होगा अल्लाह हिसाब लेगा फमैयामल मिसरतिन खैर वैमल मिसरतिन शर्रिय रािसाब लिया जाएगा लोगो उससे पहले कि जब ये क़्यामत का दिन आ जाए रब को राज़ी करने वाले बन जाइए अल्लाह तबार को ताला के फ़राम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाइए किताब व सुन्नत के सांचे में अपनी जिंदगी को ढाल लीजिए अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए नफसानी ख्वाहिशात को कुचल दीजिए रब की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारिए एक दिन आएगा मैं और आप सफे हस्ती से मिटा दिए जाएंगे उससे पहले अपनी तैयारी कर लीजिए हम अल्लाह तबार को ताला से तौफीक तलब करते हैं अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाना गलतियों को माफ फरमाना अल्लाह मुसलमानों पर रम करम का मामला फरमाना अल्लाह मुसलमान जहां कहीं यार, बे यार और मददगार हैं अल्लाह की मदद फरमाना अल्लाह मुसलमानों में इतिहादा अत्था फरमाना अल्लाह मौत से पहले हमें मौत की तैयारी करने वाला बना देना अल्लाह तो हमसे राजी हो जाना अल्लाह क़यामत के के दिन के साये में जगह नसीब फरमाना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि के तो मुबारक हाथों से जाम कौसर पिला देना अल्लाह बगैर हिसाब किताब की जन्नत में दाखिल आता फरमाना सुबहान रबीति रब्बिल आलमीन मैं अपनी बात को ख़त्म इस बात से करता हूँ कि मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर अल असर फाउंडेशन की तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह तबारक व का तालगुज़ार हूँ कि अल्लाह तबारक व ताली ने एक मरतबा फिर ऐसे वक्त मुझे मौका दिया तो जो उनवान से मुतक सवाल हैं वो चंद दो सवाल इंशाल्लाह लिए जाएंगे जजाक खैर अस्सलाम अल्लाम क्वेशन एंड की तरफ आगे बढ़ते हैं भाइयों की तरफ अगर कोई सवाल हो तो क्या जानवियत का दावा करेगा मतलब पहले नॉर्मल इंसान होगा जैसा बाद में चंद दिनों के बाद में वो उसके जो टीचर्स हैं या जो भी वो इतना मचाएगा ऐसा करेगा या शुरू से ही वो जब दुनिया में आएगा डायरेक्ट तो तब से ही ऐसा करेगा या और ऐसी ही एक हदीस मैंने सुनी थी उसी के टॉपिक से कि वो तवाफ करते हुए या ऐसा कुछ हदीस है कि वो मक्का में दाखिल होकर तवाफ भी कर रहा है अब क्या वो एक आम आदमी की तरह रहेगा इब्ता में या फिर जैसे ही वो ज़ाहिर होगा उसके फ़ितने वो शुरू कर देगा दज्जाल के बारे में अल्लाहु अन्हु की तवील हदीस जो हमारे इससे गुजिस्ता जो अनवान हमारा हुआ था फितने दज्जाल उसमें मैंने तफसीली ज़िक्र की है कि दज्जाल बंधा हुआ है और फिर जब जाहिर होगा तब वो अचानक ही अपने फ़ितों को ज़ाहिर करेगा और फिर उसके फितने इतने भयानक होंगे कि अगर कोई शख्स उसके करीब जाएगा तो वो उन फितनों में मुबला होने का अंदेशा है इसलिए रसोल्ला सल्ला वल् फरमाया कि तुम में से कोई दज्जाल के नज़दीक जाने की कोशिश न करे तो वो ज़ाहिर होगा और फितनों को शुरू करेगा और सबसे पहले वो नबूत का दावा करेगा और फिर वो ऐसे करतब दिखाएगा कि जो अहल ईमान होंगे इन अल्लाह तबार को ताल उनके लिए काफ़ी हो जाएगा वरना जिनके दिलों में निफाक होगा वो उसकी इतबा कर बैठेंगे उसकी पैरवी कर बैठेंगे और उसके धोखे में आ जाएंगे एक और हदीस का ज़िक्र जो भाई ने मुख्तर अल्फाज कहे हैं वो कुछ दज्जाल तवाफ़ कर रहा था या दज्जाल ने कुछ देखा तो ऐसी कोई हदीस मेरे में नहीं है लेकिन अल्लाह के नबी सल्ला ने फरमाया कि मैंने मेराज की रात मैंने दज्जाल को देखा है

नमाज़ पढ़ने का तरीका ईसा को मालूम था सवाल है कि सलाम जब आएंगे तो फजर की नमाज़ पढ़ाएंगे मैंने पढ़ाएंगे नहीं कहा बल्कि सलाम नमाज़ इमाम के पीछे पढ़ेंगे और सलाम ही नहीं बल्कि पिछले अंबिया पर भी नमाज़ें थी और नमाज का तरीक़ा था लेकिन याद रखिए बुनियादी बात जो मैं आपको बता, बताना चाहता था लेकिन वक्त की कमी के कारण मैं आपके सामने नहीं रख सका सकासा इस्लाम जब नाजिल होंगे तो पिछली शरीय हम पर नाफिज नहीं होगी बल्कि जो शरीत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह तबारक व तौ ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है और ये उम्मत आखिरी उम्मत है और ये शरीयत भी आखिरी शरीयत है इसके बाद तो कोई नया कानून या नई शरीयत नहीं आएगी अल्लाह तबारक व तला इसी शरीयत पर अमल करने का हुक्म देंगे और इसी शरीयत के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ही अमल किया जाएगा नमाज़ भी उसी तरीक़े पर पढ़ी जाएगी और मेराज की एक तवील हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सा में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व् जब्रैई सलाम के साथ जाते हैं क्या देखते हैं अम्बिया की पूरी जमात मौजूद है सलाम से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जबरीइल ये कौन है कहा आदम से लेकर ईसा तक सारे अम्बिया जमा हैं कहा जबरीइल ये फिर क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कहा मुसल्ला खाली है कहा इमाम का इंतज़ार है अल्लाह के नबी अलैहि वसम ने फरमाया इनका इमाम कौन होगा कहा अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व ताली ने इन तमाम अम्बिया और रसूल का इमाम अगर बनाया है तो वो आपको बनाया है ईसा तो सलाम एक मरतबा हमारे नबी सल्ला वसम के पीछे नमाज अदा कर चुके हैं और जब आएंगे तो फिर इन श्रा उम्मत की अमीर और उम्म के ख़लीफ़ा के पीछे बाजात नमाज़ अदा करेंगे जजाक खैर अल्लम वरम جزاك الله أبوهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إذا قربت ساعة يا لها زلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب تراحا لها <applause> كمر السحاب تراحا لها <applause> كمر السحاب تراحا لها وتنفطر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثر قالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما له